हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक मित्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप 2022 में यूट्यूब चैनल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, नया नया साल है और काफ़ी सारे नए नए क्रिएटर्स भी आए होंगे इस साल। लाखों हज़ारों क्रिएटर्स इस साल आए हैं और उतने ही क्रिएटर्स अभी भी आने की सोच रहे हैं, यूट्यूब पर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं, वो सब YouTube पर आना चाहते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर चैनल किस तरीके से बनाना है। सो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप एक नया YouTube चैनल क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब नए नए YouTube पर आते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि मैं भी अपना चैनल YouTube पर बनाऊँगा, सो उनको उतना मालूम नहीं होता है और वो अपना चैनल उस तरीके से बना नहीं पाते हैं। वो जो प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं यूट्यूब की, उनको वो नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो चीज़ जो ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए यूट्यूब से, वो ग्रोथ उनको यहाँ पर नहीं मिल पाती है। सो यहाँ पर आज मैं आपको सारी चीज़ें A to Z बताऊँगा कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप अपना एक चैनल क्रिएट करोगे, कैसे आप थंबनेल अपलोड करोगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा। बिकॉज जो नए क्रिएटर होते हैं जिनको अभी YouTube पर आना है, जो कि किसी न किसी यूट्यूबर को देखकर इंस्पायर हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं भी YouTube पर कंटेंट अपलोड करूं, YouTube पर वीडियो बनाऊं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो उतना अच्छा अपने चैनल को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जैसे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए YouTube पर, जैसे स्टार्टिंग में वो आते हैं शुरू में, तो उस तरीके से उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे YouTube पर एक ट्रेंड चल रहा है माई फर्स्ट ब्लॉग का। जो भी लोग नए अकाउंट से अपना फर्स्ट ब्लॉग डाल रहे हैं, उनके ब्लॉग पर काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं और एक ही वीडियो में वो वायरल हो जा रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा था YouTube पर, मैंने देखा काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर केवल एक वीडियो से फर्स्ट ब्लॉग बना करके और वो लोग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं। इतना वायरल हुए हैं कि वो एक ही वीडियो से अपना जो मोनेटाइजेशन है वो भी इनेबल कर पाए हैं और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी केवल एक ही वीडियो से उन्होंने पूरा कर लिया है। हालांकि ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था YouTube, तब ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं था कि जिससे हम एक ही वीडियो बनाएं और हमारी वीडियो एक ही वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। लेकिन अभी YouTube पर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि आप माई फर्स्ट ब्लॉग का जो एक टैग है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वहाँ पर अगर आप ऐसी ही वीडियो बनाते हो तो आप निश्चित रूप से YouTube पर सक्सेस हो जाओगे और एक ही वीडियो आपकी YouTube पर वायरल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये भी चीज़ आप अगर जल्दी करोगे तो आपका चैनल जल्दी ही ग्रो होगा, अगर आप लेट करोगे तो वहाँ पर आपका चैनल फिर ग्रो नहीं हो पाएगा और आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लेट हो जाएगी और ऐसे में आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो चलिए गाइस, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आज हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि 2022 के अंदर आप अपना एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और वहाँ पर चल के मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या कुछ कैसे आपको चैनल बनाना है और कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें करनी है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान दे के देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है एंड इसके बाद ही आप जो है अपना चैनल बनाइए और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। बिकॉज अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर वीडियो में मिस कर दोगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको इस तरीके के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे भी देता रहूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ओके सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप उसमें ओपन कर लीजिए ब्राउजर में अपना चैनल, अपना जो ईमेल आईडी है उसको नया क्रिएट करिए और फिर लॉगिन करिए एंड देन वहाँ पर आप अपना चैनल बनाइए। और यहाँ पर मैं अपने जो है स्क्रीन पर आ चुका हूं और चलिए मैं आपको एक नया चैनल क्रिएट करके बताता हूं कि आपको 2022 में किस तरीके से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने, मैं ऐसा करता हूं, ईमेल आईडी एक नई बना ली होगी एंड इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने चैनल को जो है क्रोम ब्राउज़र पर लॉग इन कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लॉग इन करा हुआ है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से यूट्यूब पर चल करके और दिखाता हूँ कि मैंने अपना जो चैनल है वो कैसे लॉगिन करा हुआ है। सो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तब तक ये हमारे चैनल का जो पैनल है वो भी खुल रहा है। सो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एंड ये देखिए, मैंने अभी ये चैनल नया क्रिएट करा है, देख सकते हो आप। और
यहाँ पर मैं मुझे डायरेक्टली यूट्यूब पर ये ला दिया है, तो यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब पर और यहाँ से मैं अपने अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ। ओके सो मैंने अपने अकाउंट को स्विच कर लिया यहाँ पर और मेरा जो नया चैनल है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस चैनल पर जाकर, और यहाँ योर चैनल पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा अभी भी मैंने नया एक चैनल क्रिएट करा है, अपना ही नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली है माई फर्स्ट ब्लॉग की, जो कि बिल्कुल भी वायरल नहीं हुई है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में लेट कर दिया और इस वजह से मेरी जो वीडियो है वो वायरल नहीं हुई है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले मेल बना लेना है आपका, जब मेल एक रेडी हो जाए, एंड मेल रेडी होने के बाद आप यहाँ पर आना है सबसे पहले यूट्यूब पर। चलिए मैं आपको यूट्यूब पर चल के दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप यूट्यूब पर आओगे, अपना अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे जो आपने नया बनाया होगा। अकाउंट जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर आपको लिख करके आ जाएगा योर चैनल, और योर चैनल में आपका ये नाम लिख करके आएगा यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी आपने बना रखी है उसमें जो आपने नाम लिख रखा होगा वही नाम आपको यहाँ पे शो होगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ एडिट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, चैनल नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ये नेम लिख रखा है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से इसको हटा देना है एंड फिर से यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आप जो भी नाम आपने सोच रखा है उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आप उस आपके उस नाम से रिलेटेड कोई और चैनल है तो आप अपना वो नाम बदल दीजिए या फिर कुछ यूनिक वर्ड उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका जो चैनल है वो सर्च रिजल्ट में आए। और आप ऐसे यहाँ पर सर्च करिए कि केवल आपका ही नाम आए यहाँ पर, दूसरे का कोई भी नाम यहाँ पर ना आए। सो यूनिक नाम रखना अपने चैनल का, ये गलती मत कर देना कि आप नाम सिमिलर रख दो कोई जिस नाम से और भी यूट्यूब चैनल हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई यूनिक नाम रखना है, जैसे कि आप जब यूट्यूब पर सर्च करो तो आपका चैनल सबसे पहले फर्स्ट रैंकिंग में ऊपर आए। ये चीज़ आपने समझ ली। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे चले आना है, अपने अकाउंट में यहाँ पे आना है एंड योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट चैनल पे जाना है आपको। एंड एडिट चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम जो भी आपने वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करा है, जो भी आपने अपने चैनल का नाम सोचा हुआ है उसको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना नाम, ये सचिन तिवारी, मैंने इसको टाइप कर दिया एंड ओके कर दिया। एंड ओके करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका चैनल जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा, नाम वगैरह आपने सब कुछ लिख दिया है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसी आईडी को आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ आपके जो क्रोम ब्राउज़र है या फिर आपने आपके पास कंप्यूटर वगैरह तो वहाँ पे आप ब्राउज़र पे लॉगिन कर लीजिए। एंड लॉगिन करने के बाद आप क्या करिए कि एक अच्छा सा लोगो बना लीजिए। अगर लोगो बनाना आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से लोगो बनाया जाता है। सबसे पहले आप चैनल बनाने से पहले एक लोगो बनाइए। लोगो बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक अच्छा सा चैनल आर्ट बनाना है। चैनल आर्ट में आपको बताता हूँ कहाँ होता है। देखिए जैसा कि मेरा एक पहले जो ये वाला चैनल है टेक मित्र, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक एंड मित्र, यहाँ पे टेक मित्र लिखा, सर्च करा मैंने तो देखिए जैसे मैंने यूनिक नेम रखा हुआ तो मेरा ही चैनल सबसे फर्स्ट रैंक में ऊपर आ रहा है, देख सकते हो आप इस तरीके से। एंड यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ मेरा जो चैनल आर्ट है वो दिख रहा है। तो आपको इस तरीके का एक चैनल आर्ट भी बना लेना है। अगर आपको चैनल आर्ट बनाना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको चैनल आर्ट बनाने के लिए एक वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चैनल आर्ट वाली और लोगो वाली, किस तरीके से आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो या फिर आप यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च कर सकते हो तो आपको काफ़ी सारी इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहां पर देख लेना। एंड सबसे पहले क्या करना कि आप एक अच्छा चैनल आर्ट, एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर लेना अट्रैक्टिव सा, ताकि लोग उसको देख करके लोगों को ये लगे कि हाँ ये इस कैटेगरी के चैनल है और यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेक मित्र, टेक का मतलब यही कि मैं टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नाम में ही आपका जो काम है वो यहाँ पर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर रखी है एंड देख सकते हो आप इस तरीके से। एंड इतना करने के बाद आपको फिर से अपने चैनल के ऊपर लौट के आना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नाम वगैरह आपने सब कुछ लिख दिया, फिर क्या करना है आपको क्रोम ब्राउज़र में चलना है फिर से वहीं पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक चैनल आर्ट, एक चैनल लोगो, दोनों चीज़ें क्रिएट कर लेनी है। अब बारी आती है, इतनी चीज़ें आपने क्रिएट कर ली, आप फर्स्ट वीडियो शूट करते हैं। एंड वीडियो शूट करने के बाद आपको वीडियो अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब यहाँ पे आप लॉगिन आईडी को आप अपने लॉगिन कर लोगे, यूट्यूब चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, और इसको आपको जो ब्राउज़र है आपका ब्राउज़र, इसको आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप साइड पे। तो इस तरीके से आपको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं, हालांकि कनेक्शन थोड़ा सा मेरा स्लो है इस वजह से, तो हम वेट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा पेज दिख जाएगा अपलोड वीडियो का। सो यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, जो भी आपने वीडियो अपलोड कर रखा हो, या फिर अगर आपको ये फीचर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करना है एंड अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है एंड आपके सामने फिर से वही वाला पैनल खुल करके आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है अपनी, इस पर टच करना है। ये देखिए आप अपने यहाँ कैमरा, ये कैमकॉर्डर और ये फाइल, तो आपको जो भी आपने वीडियो शूट कर रखी होगी उसको इस फाइल में रखा होगा, तो इसी फाइल में आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो शूट करके रखा हुआ है, तो सिंपली मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए वीडियो सेलेक्ट होने के बाद ये सारा पैनल, सारी चीज़ें खुल करके आ गई हैं। सो ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, टाइटल डालना है वीडियो का एंड थंबनेल अपलोड करनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, जब लोग ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो उनको थंबनेल अपलोड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका YouTube चैनल वेरीफाई नहीं होता मोबाइल नंबर से, तब तक आप कस्टम थंबनेल यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि आप जो भी थंबनेल अपने वीडियो के लिए बनाए होंगे वो थंबनेल आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। हालांकि मैंने इसको वेरीफाई कर रखा, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी जो नई अपडेट्स आए हैं काफ़ी कुछ बदल चुका है यूट्यूब पर, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है। अब आपके केस में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर चैनल नोट वेरीफाइड, यहाँ पे लिख कर आ जाएगा एक पैनल और नीचे लिखा होगा वेरीफाई हरे कलर का। तो सिंपली आपको वहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पैनल खुलेगा, जहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिस पर एक OTP भेजनी होती है। सो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना जो कि आपने अपने फ़ोन में लगाया हुआ होगा एंड इसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद आपके पास एक उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को आप डालोगे यहाँ पर और आपका जो चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद से आप यहाँ पर कस्टम थंबनेल का यूज़ कर सकते हो, जो भी चाहो वो थंबनेल आप यहाँ पर लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर थंबनेल अपने से नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी थंबनेल यहाँ पर दिखाएगा, सजेस्ट होगी, वही आप केवल लगा पाओगे, लेकिन जब आप वेरीफाई कर लेते हो चैनल को तब आप यहाँ पर ये चीज़ लगा सकते हो। तो इतना हो गया, आप इतना समझ लिए कि YouTube चैनल पर किस तरीके से हमें क्रिएट करना है YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद हमें किस तरीके से यहाँ पर वीडियो को अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करने के बाद थंबनेल कैसे अपलोड करना है, इतना मैंने आपको बता दिया। और इतना हालांकि काफ़ी होगा आपके लिए, आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए इतना इनफ होगा, इतने में आप अपना वीडियो अगर अपलोड कर लोगे। और आगे की वीडियोस में मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे थंबनेल को बनाते हैं, अच्छे थंबनेल कैसे बनाते हैं, या फिर वीडियो को किस तरीके से शूट किया जाता है अच्छे तरीके से। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ एक ऑप्शन मिल जाएगा मेड फॉर किड वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी लेंदी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी लेंदी वीडियो देखो, क्योंकि आपको भी परेशानी होगी इतना बड़ा इतना लंबा वीडियो देखने के बाद। तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो है मेरा अपलोड हो रहा है, हालांकि मेरी अपलोडिंग स्पीड काफ़ी कम है जियो की, तो इस वजह से जो है ये काफ़ी लेट जो है यहाँ पर अपलोड हो रहा है वीडियो। सो 2022 में आप इस तरीके से एक नया चैनल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आप समझ गए हो क्या करना है आपको, एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है आपको। नया ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। पहले तो क्रोम ब्राउज़र पर आप लॉगिन करोगे, जैसे कि मैंने कर रखा है, यहाँ पर देखिए कई सारे अकाउंट्स मेरे यहाँ पे लॉगिन हैं। तो क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ें, जैसे कि आप अपलोडिंग में अपना टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे। लेकिन वहाँ पर अगर मैं यूट्यूब ऐप की बात करूँ तो यूट्यूब ऐप के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए या फिर उतने जितना फीचर इसमें आपको मिलता है उतना फीचर आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप क्रोम ब्राउज़र में पहले इसको लॉगिन कर लीजिए एंड क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन करने के बाद फिर अपना ये यूट्यूब वाली जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर भी आप इसको ला लीजिए एंड लाने के बाद यहाँ पे आप अपना चैनल का नाम वगैरह एडिट कर लीजिए। एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिए कि जिस भी रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो, जिस चीज़ से रिलेटेड आप, चाहे टेक हो, चाहे आपका और भी कोई कैटेगरी का चैनल हो, तो जो वीडियोज़ आप बना रहे हो उस तरीके का आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल लीजिए कि हाँ मैं अपने वीडियो में ये चीज़ें बता रहा हूँ।
एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर अपना चैनल जो है वो क्रिएट कर लेना है। एंड चैनल क्रिएट करने के बाद फिर आप अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करो एंड इस तरीके से आप काम करोगे यूट्यूब पर तो काफ़ी अच्छा होगा, और यही अच्छा तरीका है यूट्यूब पर वीडियो डालने का। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।